प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रमोद कुमार त्रिपाठी आज आप लोगों को अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 की प्रश्न संख्या 2 के पहले प्रश्न का हल बताने चल रहा हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी ये जो स्टेटमेंट या कथन दिए गए हैं इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले प्रश्नों को बारीकता से पढ़ना चाहिए। जैसा कि प्रश्न में दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र माने भूखंड की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना, तो इसलिए अगर हम चौड़ाई अगर मान लेते हैं इस प्रश्न में, तो चौड़ाई का अगर हम दुगना करके एक जोड़ देंगे तो लंबाई भी पता चल जाएगी। इसलिए इस प्रश्न में हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, चौड़ाई। कि माना भूखंड की चौड़ाई कितना है भैया, एक्स मीटर। चूंकि मीटर में क्या हम मान रहे हैं, चूंकि उसमें ब्रैकेट्स में देखो लिखा है कि मीटरों में, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को मीटरों में मानना है, तो माना भूखंड की चौड़ाई कितना, एक्स मीटर। अब प्रश्नानुसार लंबाई अगर इसकी मानी जाए तो लंबाई क्या है, देखो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, अर्थात आपने जो चौड़ाई माने हो उसी का दुगना करके उसमें एक जोड़ दो, तो चौड़ाई का दुगना यानी 2x, अब एक जोड़ोगे तो प्लस 1 लिखेंगे, तो 2x प्लस 1 मीटर। देखिए, हमने भूखंड की चौड़ाई भी मान लिया और प्रश्न के अनुसार उसकी लंबाई भी मान लिया। हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड यानी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो 528 वर्ग मीटर प्रश्न में दिया है, ये 528 वर्ग मीटर इसी लंबाई और चौड़ाई का ही गुणनफल दिया हुआ है। इसलिए हम यहां लिखेंगे कि इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो, हम क्यों यहां लंबाई गुणे चौड़ाई लिख रहे हैं, क्योंकि भूखंड का क्षेत्रफल दिया है प्रश्न में और भूखंड किस आकार का है, आयताकार आकार का है, तो इसलिए यहां पर क्षेत्रफल का सूत्र आयत के क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर होगा। तो इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 बराबर लंबाई कितना है, 2x प्लस 1, तो हम लंबाई पर 2x प्लस 1 लिख देंगे, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई पर क्या दिया है x, तो हम x लिख देंगे, तो 528 बराबर, अब x से हम इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 2x² + x, अब हम इसको भी पक्षांतर कर देंगे उस पक्ष में, तो 2x² + x इसे पक्षांतर करेंगे तो -528 बराबर क्या, 0। अब देखिए, यही हमारा अभीष्ट जो है समीकरण बन जाएगा। प्रश्न में भले ही लिखा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन इसको वास्तविक रूप में लाना नहीं है, इसी इतनी स्थिति पर इसको रखना है बस। चूंकि प्रश्न में कहा है ना कि इन स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, अर्थात प्रकट कीजिए, व्यक्त कीजिए, तो मैंने इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। तो हम यहां लिख देते हैं, अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, अभीष्ट द्विघात समीकरण है, अभीष्ट द्विघात समीकरण है, ठीक। अब हम इसी प्रश्न में, प्रश्न संख्या 2 में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने पहले प्रश्न का हल आप लोगों को बता दिया। अब हमें दूसरे प्रश्न का हल आप लोगों को बताना है इसी प्रश्न में, जो दूसरा प्रश्न दिया है। देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। प्रश्न आपका क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें भले ही कह रहा कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, लेकिन प्रश्न के निर्देश के अनुसार इस कथन को केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि ये क्रमागत क्या है। क्रमागत का मतलब क्रम प्लस यागत, माने जो क्रम से आए, और कैसा पूर्णांक हो, धनात्मक हो। तो हम पहले क्रमागत जब पूर्णांकों को मानना हो तो पहला पूर्णांक x मानना चाहिए, दूसरा पूर्णांक x प्लस वन, फिर x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, माने जितना रहे उतना मान लिया चाहिए। तो इस प्रश्न में केवल दो ही है, इसलिए हम दो मान लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक कितना दिया, x, और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक हम मान लेते हैं x प्लस वन। चूंकि क्रमागत कहा है इसलिए पहला x मानना पड़ेगा और दूसरा x प्लस वन मानना पड़ेगा। तो चूंकि दो ही कहा है इसलिए हम दो भी मान रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न का कथन है कि इन्हीं दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हम यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब हुआ कि प्रश्न के अनुसार, माने इसके आगे की जो भी प्रक्रिया हम करने चल रहे हैं वो हम अपने मन से नहीं, प्रश्न के कथन पर हम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रश्नानुसार लिखकर इन्हीं दोनों पूर्णांकों का गुणा कर दीजिए, यानी x इंटू एक्स प्लस वन बराबर कितना, 306। अब x से इसके अंदर हम गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब देखो, यही हमारा जो है अभीष्ट द्विघात समीकरण है, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। इसको अब इसी पर ही छोड़ना है, आगे हल नहीं करना। जब हल करने के लिए कहा जाएगा तो हल किया जाएगा, बस प्रश्न के निर्देश के अनुसार ही काम किया जाए। प्रश्न में केवल कहा है कि इसको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, इसलिए इसको निरूपित या मैंने प्रकट करके छोड़ देना है, तो मैंने प्रकट कर दिया। तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न संख्या 2 के पहले और दूसरे प्रश्न का हल आपको दे दिया है। प्रश्न संख्या 3 और 4, मैंने प्रश्न संख्या 2 के तीसरे और चौथे प्रश्न का हल अगले वीडियो में हम आपको देंगे। यदि आप लोगों को यह बात, ये पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की सारी सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।